इस पौराणिक धारावाहिक के दोबारा शुरू होने के बाद दर्शक इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये धारावाहिक लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। रामानंद सागर के द्वारा निर्मित रामायण को पहली बार 1987 से 88 में डीडी नेशनल यानी कि दूरदर्शन पर चलाया गया था। अब मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना का रामायण धारावाहिक से संबंध है। जी हाँ, बता दें कि आयुष्मान खुराना की सासू माँ ने रामायण में त्रिजटा का किरदार निभाया था। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप की माँ अनीता कश्यप ने त्रिजटा का रोल किया था। रामायण में दिखाया गया है कि त्रिजटा ने अशोक वाटिका में माँ सीता का बहुत साथ दिया था और भगवान राम के संबंध में सारी सूचनाएं भी वही माता सीता तक पहुँचाती थी। हालांकि त्रिजटा को लेकर मीडिया में चल रही इन खबरों की कितनी सच्चाई है ये तो समय आने पर पता चलेगा। बता दें कि रामायण में रामानंद सागर ने ऐसा करिश्मा कायम किया था जिसकी चर्चा आज भी होती है। इस सीरियल के आने के दौरान लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे और सड़कें और गलियां सुनसान हो जाती थीं। कई लोग श्रद्धा के कारण हाथ जोड़कर इस शो को देखते थे। लोग सीरियल में काम करने वाले कलाकार अरुण गोविल और दीपिका को राम और सीता के रूप में पूजा करते थे। इस धारावाहिक में दारा सिंह ने हनुमान की भूमिका निभाई थी। इस सीरियल में राम सीता लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे कलाकारों को लोगों ने असली भगवान का दर्जा दे दिया था। तो दोस्तों, बॉलीवुड के एक्टर आयुष्मान खुराना की जो मदर इन लॉ है यानी कि सासू माँ, उन्होंने त्रिजटा का रोल निभाया था रामायण में। दोस्तों, आपको त्रिजटा का रोल कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय। दोस्तों, सब्सक्राइब करें टॉप मस्ट को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे